हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BGMI के एक नए वीडियो में। तो आज के गेम प्ले के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईपैड 9 लेना चाहिए कि नहीं, और आईपैड 9 गेमिंग के लिए कैसा रहेगा, खास करके BGMI के लिए। तो जैसे ही सामने वाले बंदों को मारता हूँ, इसका टीममेट आगे रहता है। ये लोग को तो फिनिश कर देता हूँ। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आईपैड 9 गेमिंग के लिए कैसा है, खास करके BGMI के लिए। तो हाँ, आईपैड 9 अच्छा है, लेकिन उसमें 90 FPS सपोर्ट नहीं करता। असल में 90 FPS सपोर्ट तो करता है, लेकिन स्क्रीन साइज़ 60Hz होने की वजह से उसमें 90 FPS नहीं चलता है। और अगर जिसको सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए आईपैड 9 सही रहेगा, क्योंकि आईपैड 9 में एकदम स्मूथ चलता है BGMI। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, स्मूथ ही चल रहा है और ज़्यादा लैग तो नहीं होता। सिर्फ ड्राइविंग करते टाइम लैग होगा, और हॉट ड्रॉप पे थोड़ा 2-3 सेकंड के लिए लैग होता है। और बहुत लोग पूछते हैं कि आईपैड 9 कितना GB का लेना चाहिए, 256 या 64 GB का लेना चाहिए। तो मैं बता दूं कि 64 GB का भी सही रहेगा, क्योंकि मेरा भी आईपैड 9 64 GB का ही है। और स्टोरेज का प्रॉब्लम तो थोड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो 4K में होता है, वीडियो बना के उसको एक्सपोर्ट करने में 8 से 10 GB तो ऐसे ही चला जाता है, तो स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जिनको सिर्फ BGMI खेलने से मतलब है, तो उनके लिए तो 64 GB सही रहेगा। बाकी जिसको गेमिंग कंटेंट ये सब बनाना है, तो उसके लिए तो 64 भी सही है, लेकिन उससे हाई GB वाला ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल गेम प्ले की ओर ध्यान देते हैं, और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैं बताने की। फिलहाल मेरे सामने बहुत सारे बंदे होते हैं, देखना कैसे मैं सर्वाइव करता हूँ। सामने वाले बंदे को मॉली करता हूँ, लेकिन मुझे खुद लग जाता है। तभी बहुत सारे बंदे मेरे पास आने लगते हैं, और हेल्थ तो मेरे पास कुछ नहीं रहता। मेरे ऊपर भी बंदा, आगे भी बंदा, आजू बाजू सब जगह बनते बनते। सामने ऊपर फाइट हो रहा होता है, तभी मैं स्मोक करता हूँ और लूटने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट एड तो नहीं मिलता है, बैंडेज ड्रिंक मिलता है। फिलहाल ड्रिंक से ही काम चलाते हैं। यहाँ पे इतने सारे बंदे कि मुझे कहीं ढूंढने को कुछ नहीं मिल रहा, जाके फर्स्ट एड ढूंढ लूँ। तभी एक बंदा मेरे नीचे आ जाता है और मैं उसको मारने का ट्राई करता हूँ। जैसे बाहर जंप करता हूँ, वैसे ही एक को नॉक करता हूँ, नॉक फिनिश डाल देता हूँ। और दूसरों को डैमेज देता हूँ, तभी वो ऊपर चला जाता है। मैं फटाफट फर्स्ट एड लूट के अंदर आता हूँ। तभी सामने से बंदा कूद के मेरे पास आने लगता है।
और यहाँ बड़ी मुश्किल से फर्स्ट एड लगाता हूँ। अब जैसे ही फर्स्ट एड अब जैसे ही फर्स्ट एड लगाता हूँ तभी बंदा आ जाता है अंदर, लेकिन उसे मार देता हूँ। तभी तीसरा टीममेट मेरे पास आता है, और उसे भी नॉक कर देता हूँ, लेकिन मेरा एमओ खत्म हो जाता है तो एमओ लूटने जाता हूँ। अब जैसे ही थोड़ा बहुत लूट करता हूँ तभी सामने बंदा आ जाता है एक नीचे, तो ये तो बहुत रहता है। अब फटाफट मैं लूट करता हूँ। अब जैसे ही लूट करता हूँ तभी सामने एक और बंदा आ जाता है और उसे नॉक कर देता हूँ। और मौली करके फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बाजू में उसका टीममेट रहता है। तभी नेट फेंकने का ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दोनों नेट वेस्ट चले जाते हैं। तभी डायरेक्ट मैं रश करने जाता हूँ उन पे। लेकिन बाजू से मारने लगते तो मैं पीछे आ जाता हूँ। मार्क्ड अ लोकेशन। अब जैसे ही हेड लगाता हूँ तभी सामने बंदा, जैसे ही सामने वाले में फाइट होता है तो मैं डायरेक्ट रश करता हूँ। यूं पे से फायरिंग तो करता हूँ लेकिन देखता हूँ ये सामने बंदा नॉक पड़ा रहता है तो उसको फिनिश कर देता हूँ। और शायद वो भी नॉक पड़ा रहता है तो उसको फिनिश कर देता हूँ। फॉरेस्ट का स्प्रे ट्राई करता हूँ देने का, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता।
मैं जोन में जा रहा हूँ तो तभी एक और बंदा आगे देखता है। और उसको नॉक फिनिश कर देता हूँ। और जोन में जा रहा हूँ तो तभी एक बंदा मेरे पे फायरिंग करता है। नेट करने का ट्राई करता हूँ और जाके फिनिश कर देता हूँ उसको। और बहुत छोटा जोन हो जाता है, लेकिन बंदे तो नहीं दिखते मुझे। और ओपन में जाने का ट्राई करता हूँ, ढूंढने का ट्राई करता हूँ बंदे को। और मैं गलती से ओपन में चला जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही ओपन में चला जाता हूँ। तभी सामने से फायरिंग आता है। और जैसे ही सामने से फायरिंग आता है उसी टाइम दूसरा बंदा मुझे बाजू से मार देता है और यहीं पे गेम प्ले ख़त्म हो जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ डाउट होगा तो ज़रूर पूछना, कमेंट करना, मैं बताने का ट्राई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।